देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी इच हैव सेम सम मनी, कुछ अमाउंट में उनके पास मनी है। इफ ए गिव्स 30 टू बी, ए 30 रुपीज बी को गिव करता है, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद, ए के पास अब जितना अमाउंट है उसका वो टू टाइम्स हो जाता है, बी ट्वाइस हो जाता है। इफ बी गिव टू ए 10 रुपीज, 10 रुपीज ए को दे देता है अगर बी, तो देन ए विल बी थ्राइस एज सो मच एज इट लेफ्ट इज लेफ्ट विथ बी, बी के पास अब जितना बचता है उसका वो क्या उसके 3 टाइम्स हो जाता है ए। ठीक है, तो हाउ मच मनी डज इच हैव, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, let the money that a has b x मान लेते हैं, स्मॉल x ही लिखते हैं, and money that b y, है ना, ए के पास एक्स अमाउंट में मनी है और बी के पास वाई अमाउंट में। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तरफ एक्स लिख दो एक तरफ वाई लिख दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी के पास कुछ अमाउंट है, हमने एक्स और वाई दे दिया। क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है कि इफ ए गिव 30 टू बी, ए बी को 30 गिव कर देता है, तो इसके पास 30 एक्स्ट्रा आ जाएगा और इसके पास 30 लेस हो जाएगा। देन बी विल बी ट्वाइस द अमाउंट, ए के पास जितना अमाउंट है उसका एक ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस का 60 इक्वल टू वाई प्लस का 30, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का वाई, ये जाके इधर ऐड हो जाएगा तो आपका 90 आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ देखिए, फिर x इक्वल टू वाई लिख दो यहाँ पर, फिर आगे क्या कह रहा है कि इफ b गिव्स 10 रुपीज टू a, b यानी यही ना है b के पास अमाउंट, ये इसको 10 रुपीज देते हैं, तो इसके पास 10 लेस हो जाएगा। ए विल बी थ्राइस एज सो, बी के पास जितना अमाउंट है उसका ए क्या हो जाए थ्राइस हो जा रहा है। ठीक है, एक्स प्लस 10 इक्वल टू में 3y माइनस का 30, इसको इधर लाते हैं x माइनस का 3y और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा ना, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। आप इस इक्वेशन सेकेंड में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन फर्स्ट में 1 से ही रहने दो। यहाँ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ऊपर आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू में 90 है और यहाँ आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 6y इक्वल टू में माइनस का 80, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, माइनस प्लस प्लस ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 5y आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका कितना प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 170। ठीक है, 170 तो यहाँ पर ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 170 बाई में 5 वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 34। अब वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 90, 2x माइनस वाई की जगह पे यहाँ पे 34 और इक्वल टू में 90, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा, ये जाके इधर ऐड होगा तो 124 हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में तो 62 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, देयरफोर मनी डैट ए एंड बी हैड आर 62 रुपीज एंड क्या था वाई के बारे में 34 रुपीज रेस्पेक्टिवली। समझ गए, तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे
रविकांत सर डॉट इन, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चक्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।